आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितने भी यहाँ पर मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। अब देखिए, आप में से काफी छात्रों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर जो सेकंड ईयर के एग्जाम फोरम है, फाइनल ईयर के एग्जाम फोरम है, यूजी सेकंड ईयर, यूजी फाइनल ईयर, साथ में पीजी जो उत्तरार्ध के जो स्टूडेंट है यानी कि जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट है उनके जो एग्जाम फोरम है वो कब से स्टार्ट होंगे, साथ में फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है मतलब कि जो पीजी फर्स्ट ईयर और एंड सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनके एग्जाम फोरम है वो कब तक स्टार्ट होंगे, तो सब कुछ इसी वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। पहले आपकी जो डेट है उनको लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट है आपका एग्जाम टाइम टेबल जारी हो चुका है, आप टेलीग्राम पर जाकर देख लेना। 5 तारीख से यानी 5 फरवरी से आपके एग्जाम है वो स्टार्ट है, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में जो फर्स्ट सेमेस्टर के वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एग्जाम फॉरम के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, जितना भी आपका एग्जाम फॉरम फीस है उतना ही, जैसे 1500 है तो 3000 रुपए देकर आप अपना एग्जाम फॉरम है वो भर सकते हो, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 20 जनवरी थी, उसके बाद में 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ में 23 जनवरी थी और 500 रुपए विलंब शुल्क के साथ में 25 जनवरी थी और आज आपकी हो गई है 27 जनवरी। तो मतलब कि जितना भी आपका एग्जाम फॉरम फीस है 3000 है या 2500 रुपए है, 2500 रुपए है तो आपको 5000 रुपए देना होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो प्राइवेट स्टूडेंट हो। उसके बाद में बात करें यहाँ पर कि पीजी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के जो एग्जाम फॉरम है वो कब से स्टार्ट होंगे एमए एमएससी एमकॉम के लिए। आपको पता है कि अब से पहले एक एग्जाम फॉरम का नोटिस भी आया था, वो नोटिस ओनली जो कैंपस के स्टूडेंट है यानी कि जो आरआरबीएमयू यानी जो अलवर जो यूनिवर्सिटी है आरआरबीएमयू राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी, तो उसमें जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन सभी के लिए वो नोटिस जारी हुआ था, बाकी जो उससे संबंध जो कॉलेज है उन सभी के लिए यहाँ पर नोटिस जारी नहीं हुआ था। अब भी तो देखो मैंने बात भी की है, बात करने पर पता लगा है कि कल या परसों, ठीक है कल या परसों या क्या पता आज शाम तक जो आपके एग्जाम फॉरम है वो स्टार्ट हो सकते हैं जितने भी यहाँ पर पीजी के स्टूडेंट है, ठीक है कन्फर्म है कल या परसों तक आपके एग्जाम फॉरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसी के बाद में जितने भी स्टूडेंट हैं आपके एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब कोर्स जो पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है एमए एमएससी एमकॉम के उनके जो एग्जाम फोरम है, अभी देखो एग्जाम फोरम अगर बनना स्टार्ट होंगे तो अब कोर्स आपके जो एग्जाम है वो आपके फेब में यानी फरवरी में आपके होने वाले हैं अप्रोक्स। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो 15 फरवरी के बाद में आपके जो एग्जाम है वो कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि 10 से 15 दिन आपके एग्जाम फॉरम भरने में भी टाइम लगेगा और एक तरीके से परीक्षा की जो तैयारी है उनमें भी टाइम लगता है। अब उसी के बाद में जितने भी यहाँ पर यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनके सेमेस्टर इस बार लागू हुआ है उनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप से आपका पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हिंदी सब्जेक्ट हो गया या कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसमें कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, सब कुछ उस वीडियो में मैंने मेंशन कर रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो एक बार जितने भी स्टूडेंट है यहाँ पर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि उससे काफी कुछ आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो एक्स स्टूडेंट है उनका एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर से होने वाला है, जो नॉन कोलिजिएट जो स्टूडेंट है प्राइवेट स्टूडेंट है उनका एग्जाम सेमेस्टर से होगा, लेकिन उनके प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, रेगुलर के प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होने वाले हैं, पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दे रखी है, तो उस वीडियो को आप सभी छात्र जाकर देख लेना। बाकी तो आपके जो एडमिट कार्ड है जब आपका जैसे आपका 5 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है तो तकरीबन 1 फरवरी को आपके जो एडमिट कार्ड है लास्ट 1 या 2 फरवरी तक आपके एग्जाम एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे, तब तक आप सभी छात्र थोड़ा पेशेंस रखें। बाकी आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहना, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, वो इसी चैनल के द्वारा आप सभी छात्रों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।